इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 13 से, जो आपका बाय पार्ट्स मेथड पे है। तो 13 सी पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेके लास्ट तक, यानी 87 क्वेश्चन तक हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 पे है क्या, उसे हम लोग लेते हैं। तो देखिए 61 पे जो है, 61 पे है क्वेश्चन नंबर 61, इंटीग्रेशन ऑफ आपका है, 61 पे है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 61 से लेके 87 तक लगभग क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूला पे बनेंगे। तो मैं सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है आपका ई दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जो हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसे याद रखने का। और एक आपका होता है ई दी पावर के एक्स, उसके बाद के एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये होता है आपका। तो इस दोनों फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए 61 क्या आपको इस किसी फॉर्म में दिख रहा है, तो देखा जाए ना तो ये जो क्वेश्चन है ना इस फॉर्म में दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिख रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे e दी पावर x है, उसके बाद f ऑफ x, तो f ऑफ x यहाँ पे कौन सा है आपके मन में क्वेश्चन उठ रही होगी। तो यहाँ पे जो f ऑफ x है वो है आपका ये है आपका क्या है ना f ऑफ x है, बट यहाँ पे क्या है ना माइनस पे, यहाँ पे क्या है ना माइनस पे है। आप यहाँ से क्या कीजिए ना माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं e दी पावर x log cos x माइनस tan x dx लिख सकते हैं। जब आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने को ये चीज मिल जाएगा। कैसे, डिफरेंस करके देख लीजिए, आपको ये मिलेगा, क्योंकि log cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई cos x, उस cos x का माइनस sin x, ये क्या देगा माइनस tan x हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ना e दी पावर x f ऑफ x, यानी e दी पावर x log cos x, ये होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा ना माइनस आ जाएगा। अब इस चीज को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e दी पावर x माइनस 1 log cos x प्लस सी और e दी पावर x log, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x का पावर माइनस 1 प्लस सी। तो ये लिख सकते हैं e दी पावर x log cos x को हम लोग cos जो ये माइनस 1 है इसका पावर जो 1 है हम इसको लिख सकते हैं sec x, क्यों, क्योंकि 1 बाय cos x इक्वल टू sec x होता है। और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं cos x का पावर माइनस 1। तो आपका ये जो है आंसर हो गया, 61 का ये आंसर है। अब देखिए 62 देखा जाए, गौर से देखा जाए दिख जाएगा। आप क्या करो ना इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा sec x मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा sec x मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ना e दी पावर x log sec x प्लस tan x, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा sec x। तो ये आपका 62 भी खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं 60 dx। ये जो क्वेश्चन है ना अपने को इस फॉर्म में अभी तो नहीं दिख रहा है, बट यदि हम कुछ आगे लेके चलेंगे ना तो ये इस फॉर्म में दिख जाएगा। कैसे, देखिए e दी पावर x 1 बाय cosec स्क्वायर x प्लस
यहाँ से देखिए एक कॉस एक्स को कॉस कटेगा यानी साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स यानी ई दी पावर एक्स ये क्या हो जाएगा ना सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। और ये देखा जाए जब हम इस चीज का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टेन एक्स का हम जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है ना सेक स्क्वायर एक्स मिलता है। तो देखा जाए तो ये इस फॉर्म में है तो आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा ई दी पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी ये आपका क्या है ना आंसर है। तो आपका 63 भी खत्म हो गया स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन है। इसे आप अप्रोच कैसे करोगे इस चीज को आप अप्रोच कैसे करोगे तो देखिए सिंपल फंडा है आप इसे क्या करो ना अलग अलग कर दो। तो ए दी पावर एक्स इसे जब अलग अलग करोगे तो देखिए यहां से एक साइन कटेगा यानी कॉस बाय साइन ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो है ना इस फॉर्म में दिख रहा है ये जो है आपका इस फॉर्म में है तो फाइनल आंसर हो जाएगा ई दी पावर एक्स कॉट एक्स प्लस सी। 64 भी आपका खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं 60 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन है 65 में आप इसे अप्रोच कैसे करोगे तो देखिए ए दी पावर एक्स ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस कटेगा तो ये क्या हो जाएगा ना ऊपर जाएगा तो सेक एक्स आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा ना एक टेन एक्स इंटू सेक एक्स इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं इसे अलग अलग कर देने का इससे इसे डिवाइड करोगे तो सेक बचेगा इससे इसे डिवाइड करोगे तो साइन बाय कॉस टेन और एक कॉस क्या हो जाएगा ना सेक डी एक्स। तो सेक एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को ये चीज मिलता है सेक एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये चीज मिलेगा तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ना ई दी पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी क्यों ना इस फॉर्म से। अब देखिए 66 पे बोल क्या 2x dx ये भी जो है ना इस फॉर्म में है अभी तो नहीं दिख रहा है बट इस पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्म में आपको दिख जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे कैसे तो देखिए इस पे अप्रोच करेंगे कैसे इधर देखिए ये आपको इसे ना आप फॉर्मूला पे डाल दो। सबसे पहले देखो इसको लिख सकते हैं e दी पावर x को आप लिख सकते हो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x 2 माइनस साइन 2x dx ये आपको फॉर्मूला है ये आपको क्या है ना फॉर्मूला है। अब इसे अलग अलग लिख दो इसे आप क्या करो ना अलग अलग लिख दो तो e दी पावर x तो देखिए 2 कटेगा 2 बाय 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये और ये कटेगा ये और ये कटेगा एक और ये कट जाएगा यानी ई दी पावर एक्स और साइन का उल्टा करोगे तो क्या जाएगा ना कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और ये माइनस क्या जाएगा कॉस बाय साइन क्या जाएगा ना ना कॉट एक्स डी एक्स ये होगा। आप जरा गौर कीजिएगा यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ई दी पावर एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। जब ये चीज हो गया तो देखिए ये जो है ना इस फॉर्म में है तो माइनस ई दी पावर एक्स कॉट एक्स प्लस सी ये आपका क्या हो गया ना आंसर हो गया यानी 66 भी आपका प्लस खत्म हो गया कॉस एक्स डी एक्स। इस पे भी सेम फंडा लगाएंगे और इस चीज को ना उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कैसे देखिए ई दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसे अलग अलग कर दीजिए तो ई दी पावर एक्स 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू डिवाइडेड बाई 2
इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा डी एक्स, यानी ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू प्लस ये क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, यानी टेन एक्स बाई टू डी एक्स। और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने को ये चीज मिल जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ना ई द पावर टेन एक्स बाई टू प्लस सी, क्यों ना इस फॉर्म से, समझे। अब 68 में हम बढ़ते हैं, तो 68 पे कॉस फोर एक्स डी एक्स, अब क्या करो ना फॉर्मूला लगाओ, तो ई द पावर एक्स साइन फोर एक्स माइनस फोर, और ये क्या देगा ना टू साइन स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, इसे अलग अलग कर दीजिए, तो ई द पावर एक्स, अब देखिए साइन फोर एक्स है तो हम यहाँ पे साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ना टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स माइनस फोर, इसे अलग कीजिए तो टू साइन स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू साइन स्क्वायर टू एक्स डी एक्स होगा, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, तो ई द पावर एक्स कॉट टू एक्स कॉट टू एक्स माइनस टू कॉसेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, ये होगा। और जब आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने को ये चीज मिलेगा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा ई द पावर एक्स कॉट टू एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। तो ये क्या है ना आपका 68 है। अब देखिए 60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इस फॉर्म में तोड़ दो ना तो तुरंत दिख जाएगा। आप क्या करो ना इसे अलग अलग कर दीजिए, आप क्या करना है इसको अलग अलग कर दीजिए, तो आप इस चीज को लिख सकते हो ई द पावर एक्स, ये और ये कटेगा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस सॉरी प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होगा। और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये होता है, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा ई दी पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए डी एक्स ये है ना, आप इसे अलग अलग कर दो, तो इस चीज को लिख सकते हो ई दी पावर एक्स 1 बाई एक्स प्लस प्लस ये एक्स एक्स कटेगा यानी लॉग एक्स डी एक्स। अब देखिए जब आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने को ये चीज मिलेगा, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ई दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो गया ना 17 नंबर क्वेश्चन बन गया। डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे ये आसान थे, ये क्वेश्चन जरा सा आपको घुमाएगा, यहाँ पे आपको जरा सा पार्शियल फ्रैक्शन बोल सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर आप जब भी आपको इस फॉर्म में जब भी दिखे ना, जब भी आपको इस फॉर्म में दिखे तो इसे आपको कुछ इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे आप देख के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना आपको प्रैक्टिस मांगता है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस मांगता है। देखो इस पे करोगे क्या, इसे हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे कैसे, समझे ना। देखो e द पावर x, अब देखिए हम x के साथ x प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स कर देते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा तो फाइनली वही चीज बच जाएगी। अब देखिए ई द पावर एक्स, इसे अलग अलग कर दीजिए, यानी वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इतना कर सकते हो। ये और ये कटेगा
ई दी पावर एक्स वन बाय वन प्लस एक्स माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, जब आप इस चीज का डिफ्रेंसिएशन करोगे ना, जब आप इस चीज का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला चीज। जब आप इस चीज का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला चीज। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, ई दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स प्लस सी, यह आपका 71 हो गया। अब देखिए, हम वन का होल क्यूब डी एक्स, इसे कैसे अप्रोच करोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में भी आप तोड़िए, यानी इस फॉर्म में, इसे तोड़ोगे कैसे वही बड़ी बात है। वो यदि तोड़ दिए तो फिर आपसे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए करोगे क्या, ई दी पावर एक्स, यहाँ पे देखिए होल क्यूब है और यहाँ पे एक्स प्लस वन है, तो अपने को यहाँ पे एक्स प्लस वन लाना पड़ेगा। करोगे कैसे ना, एक्स प्लस वन माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब डी एक्स, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो फाइनली एक्स माइनस वन बच जाएगा। तो देखिए, ई दी पावर एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब डी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसे आप अलग अलग कर दो, तो ई दी पावर एक्स आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब डी एक्स। अब देखिए, ये और यहाँ पे पावर थ्री है, तो ये इसका पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, होगा ना। तो इस चीज को आप लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब, इतना आप लिख सकते हो, आप जो है ना इतना लिख सकते हो dx। अब देखिए, जब आप इस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप इस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा, तो आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा e दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका हो गया 72 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसलिए ना e दी पावर एक्स टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, कैसे इसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, e दी पावर एक्स हम इस टू को लिख सकते हैं वन प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसे अलग अलग कर दीजिए, तो e दी पावर एक्स, e दी पावर एक्स इंटू इंटू आपका क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस वन बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इतना कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या ना, यहां से ये और ये उड़ जाएगा, तो e द पावर एक्स वन बाय वन माइनस एक्स का कुछ नहीं प्लस वन बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब जब आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा,
तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, ई दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या है ना आपका आंसर है, ये आपका 73 सॉल्व हो गया। अब देखिए 70 एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स, ये है आपका 74 में, 73 हम लोग सॉल्व कर चुके, 74 में आपका ये है। कैसे इसे अप्रोच करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को ना आप करो ना, इसे आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ई दी पावर एक्स, ई दी पावर एक्स, आप देखिए एक्स माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स, इतना आप कर सकते हो। अब इसे क्या करो ना, अलग अलग कर दो इस चीज को ना, आप करो ना कि अलग अलग कर दो तो आपको दिख जाएगा, यानी ई दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बाय x माइनस 1 का होल क्यूब dx, इतना कर सकते हो। अब देखिए जब आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा e टू द पावर x x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, समझे। तो ये आपका 74 भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 75 की ओर, तो 75 में बोल क्या रहा है उसे देखते हैं। तो 75 में आपका बोल रहा है, 75 में आपका बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर 3x, ई दी पावर 3x, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर dx। तो देखिए अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो अपने को ये वाला फॉर्म दिख रहा था, e दी पावर x दिख रहा था, बट यहाँ पे गौर कीजिए e दी पावर 3x है, यानी e दी पावर kx है ना। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, इस चीज को सॉल्व कैसे करोगे, तो ये तो पता है कि ये वाला क्वेश्चन को यदि हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो अपना कुछ आइडिया मतलब आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ना इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे करोगे, यहां से क्या कीजिए ना, यहां से आप क्या कीजिए ना, 1 बाय 9 को आप बाहर ले लीजिए, आप यहां से क्या करो ना 1 बाय 9 को बाहर ले लो। तो 1 बाय 9 को मैंने बाहर ले लिया, e दी पावर 3x कर दिया। अब क्या करो ना, इसे अलग अलग कर दो, इस चीज को ना आप अलग अलग कर दो, तो 3x डिवाइड बाय 9 को मैंने बाहर ले लिया x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx। अब क्या है ना, 1 बाय 9 e दी पावर 3x, ये क्या हो जाएगा ना 3 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx, ये है ना। अब 3 बाय x, यानी जब इस चीज को आप डिफ्रेंशिएट करोगे 1 बाय x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 1 बाय 9 ई दी पावर 3x, ई दी पावर 3x इंटू 1 बाय x प्लस सी, ये आपका क्या है ना आंसर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई दी पावर एक्स डी एक्स। कैसे इसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए अभी तक मेरे ख्याल से आपको आइडिया पे मिल गया होगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना तो नीचे जो टर्म है ना उसी को ऊपर में भी लाने का कोशिश करो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस वन, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x प्लस टू है, डिवाइडेड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू ई दी पावर x dx हो गया। अब देखो ये x प्लस टू यानी x प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू इंटू ई दी पावर x dx, इतना कर सकते हैं।
अब इसे आप अलग अलग कर दो, जब आप इसे अलग अलग करोगे तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर दिख गया होगा। इतना क्वेश्चन जब आप बना लिए हो ना तो आपको अब आंसर भी दिख गया होगा। तो इसका आंसर आपका क्या कुछ दिखेगा, इसे आप पहले अलग अलग कर दो। तो हम ई पावर एक्स को पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ना, 1 बाय x प्लस 2 माइनस 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन इसके बराबर है, यानी ई दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आपका क्या है ना आंसर है। आपका 76 भी खत्म हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कैसे करोगे? हाँ तो देखिए, सबसे पहली बात e के साथ 2 गुना है, यानी e दी पावर के एक्स है ना, तो इस चीज को पहले ऐसे लिखिए, e दी पावर 2x इंटू, यहाँ पे है ना कि आपका 2x है, यहाँ पे क्या है ना 2x है, तो हम ऊपर नीचे 2 गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे हम क्या करते थे क्वेश्चन पे 2 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 2x आएगा। अब इसके साथ हम क्या करते हैं ना, प्लस 1 करते हैं और माइनस 1 करते हैं डिवाइडेड बाय, और ये जो 1/2 है हम इस 1/2 को बाहर ले लेते हैं, समझे? तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx, इतना कर सकते हैं। अब ये 1/2 को मैंने बाहर लिया हो, e दी पावर 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx, इतना कर सकते हैं। अब इसे अलग अलग कर दीजिए, तो 1/2 e दी पावर 2x, ये हो जाएगा आपका 1 बाय, देखिए ये एक कटेगा, तो 1 प्लस 2x माइनस 1 बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx, इतना हम कर सकते हैं। अब बात उठती है कि सर यहाँ पे e दी पावर 2x है, बट यहाँ पे 2 कहीं पे गुणना नहीं है, तो हम करते क्या है ना, हम ऊपर नीचे फिर से 2 गुना कर देते, हम यहाँ पे 2 गुना कर दिए और यहाँ पे भी 2 गुना कर दिए, और नीचे हम फिर से क्या किए ना 1/2 गुणना कर दिए, जब इस 2 को कॉमन लें तो ये कट जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम इस 2 को हटा के 1 बाय 1 प्लस 2x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को ये चीज मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा ना ये चीज, और देखा जाए तो ये जो है ना इस फॉर्म में आ गया, ये जो है इस फॉर्म में आ गया, देखिए k की जगह 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये 1/4 इंटू e दी पावर 2x इंटू 1 बाय 1 प्लस 2x प्लस c, ये आपका क्या है ना आंसर है। तो ये आपका हो गया 77 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे बोल क्या रहा है, 4x² dx, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो एक बात तो फिक्स है, यहाँ पे k है और यहाँ पे 2 है, इसे आप अलग अलग कर दो, e दी पावर 2x, ये क्या हो जाएगा ना 1 बाय 1 बाय 2x² सॉरी 1 बाय 2x, ये क्या होगा ना 1 बाय 2x, और जब आप इस चीज को और इसे इधर करोगे तो 1 बाय 4x² dx ये होगा। अब देखिए, अब यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे 2 है बट यहां पे 2 नहीं है, तो आप यहां से क्या कीजिए ना, यहां पे आप 2 गुणा कर दीजिए और यहां पे भी 2 गुणा कर दीजिए, और फिर बाहर में आप 1/2 गुणा कर दीजिए, कर दिए, और आप यहां से क्या कीजिए ना, आप यहां से कॉमन ले लीजिए 2 को, तो 1/4 e दी पावर 2x 2 बाय x, क्योंकि हम 2 को बाहर लिए हैं, माइनस 2 बाय 2x²
ये होगा ना। आप जरा गौर कीजिएगा, आप जरा गौर कीजिएगा, ये टू कट गया और इसका जो इंटीग्रेशन, सॉरी इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ये 1 - 1/x² होता है, -1/x² तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो आपका जो आंसर होगा ये 1/4 e^2x + c, 1/4 e^2x + c। तो ये आपका 77 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 70 70, अच्छा ये आपका था 78, सॉरी ये जो क्वेश्चन था ना 78 था, अब आपका क्या है ना 79। तो 79 में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 79 उस पे आपका बोल क्या रहा है, तो 79 पे बोल रहा है, देखिए 79 पे बोल रहा है e^x log x + 1/x dx, e^x log x यहाँ पे स्क्वायर है। कैसे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना ही इस फॉर्म में, ना ही इस फॉर्म में, बट हाँ ये तो अपने को एक क्लियर पिक्चर मिल रहा है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में ही होगा, बट ये है नहीं। तो इसके साथ ना हम कुछ प्लस माइनस करेंगे। देखिए e^x log x, अब log x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आता है 1/x। देखो जब हम यहाँ पे 1/x जोड़े हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, -1/x कर देंगे, +1/x² dx इतना कर देंगे। अब देखिए e^x into log x + 1/x -1/x - 1/x² dx, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, इतना हम लोग कर सकते हैं। अब इसे आप अलग अलग कर दो, e^x log x + 1/x dx -e^x 1/x - 1/x² dx। अब देखिए इसका इसका जो आपका वैल्यू हो जाएगा e^x log x - e^x/x c, ये है आपका आंसर, 79 भी आपका खाता। अब देखिए 80 क्वेश्चन पे बोल क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 पे बोल क्या है, तो आपका 80 नंबर पे बोल रहा है, 80 पे बोल रहा है, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 80 नंबर पे बोल रहा है log x / 1 + 1 + log x² dx, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं। ये है log, बट ये जो है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे देखिए, लेट log x = t, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं x = e^t, क्यों ना e^x = यदि y रहता है तो हम इसे जब log के फॉर्म में लिखते हैं तो log base a y = x होता है, और यहाँ पे बेस क्या है ना इसका e है, तो हम इस चीज को इतना लिख सकते हैं। और log x को मैंने क्या माना है ना, t माना है। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी 1 = e^t dt/dx होगा, हो गया ठीक है, यानी dx = क्या हो जाएगा ना e^t dt, हो गया ना इतना। जब आप इतना कर सकते हो तो जब आप इतना कर सकते हो तो आगे भी आपका आसान हो जाएगा, आई होप कि आप खुद से कर लोगे, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो देखिए लॉग एक्स को आपने क्या माना, टी माना, नीचे क्या आ जाएगा ना 1 + t² और dx की जगह क्या आ जाएगा ना e^t dt, तो e^t को बाहर लीजिए, t/1 + t² dt, इतना कर सकते हो।
अब ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना इस चीज को आप लिख सकते हो e द पावर t को आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस चीज को आप लिख सकते हो t प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, और अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा। तो ई दी पावर टी वन बाय वन प्लस टी माइनस वन बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई दी पावर टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी प्लस सी। और ई दी पावर टी देखा जाए तो क्या ना लॉग एक्स, तो ई दी पावर लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस लॉग एक्स, तो ई दी पावर लॉग एक्स का वैल्यू होता है एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस लॉग एक्स, ये है आपका आंसर। ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझो।